नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिकोड एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 55, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे है, आप इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने आप को। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर घर बैठे इसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप 55 से ज़्यादा स्कोर सुनिश्चित करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट बोला है। इस काल के राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई जन थी, और दूसरा है इस काल में इंद्र और प्रजापति अंतरिक्ष के देवता थे। यहाँ पे जो दोनों ही स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, सी। जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस पीरियड में जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट था जो वो थी आपकी जन, ठीक है। और जन का जो मुखिया था उसको जनपति कहते थे, और अगर स्मॉलेस्ट का भी पूछा तो स्मॉलेस्ट आपका क्या था, कुल था या फिर परिवार था। कुल का जो प्रधान था उसको कुलूप कहा जाता था या फिर गृहपति कहा जाता था। ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, सबसे छोटी यूनिट जो इकाई थी वो परिवार थी, इसका मुखिया कुलूप या गृहपति कहलाता था। उसके बाद ग्राम आता था, ग्रामणी प्रमुख था, विश का विशपति, और फिर सबसे आखिरी में जन, जिसका कि जनपति जो था वो प्रधान था, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है, सभा और समिति को प्रजापति की डॉटर या उनकी डॉटर किस ग्रंथ में बोला गया है, तो आप याद रखेंगे अथर्ववेद में। ये पूछा गया प्रश्न है तो याद आ गया सभा समिति का, जब मैं आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बता रही थी। और आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम सभा की बात करते हैं तो सभा में जो आपके मेन, जो जैसे सभा, लोकसभा, राज्यसभा में जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठते हैं ना, इसी तरीके से वैदिक पीरियड में भी जो सभा थी वहाँ पर जो मेन हेड हुआ करते थे या जो इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे वो सभा में पार्टिसिपेट करते थे, और जब समिति की बैठक होती थी उसमें आम जनता भी, कॉमन लोग भी बैठते थे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद वाला याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम आकाश के देवता की बात करेंगे तो उसमें वरुण हो गए, सूर्य हो गए, ठीक है, उनको आकाश के देवता माना जाता था। अग्नि, सोम, बृहस्पति और पृथ्वी, ये अग्नि, सोम, बृहस्पति जो है वो पृथ्वी के देवता है, इतनी चीजें आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला डेमेट्रियस प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था, शक वंश से या पल्लव वंश से, कुषाण या फिर हिंद यवन। तो भारत पर सबसे पहले हिंद यवन ने आक्रमण किया था, और ये जो डेमेट्रियस प्रथम है वो हिंद यवन से था, जिसको कि हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया का रूलर था, ये चीज आप याद रखेंगे, और इसने पंजाब के एक छोटे से रीजन को अपनी राजधानी बनाई थी जिसका कि नाम साकल था। इतने फैक्ट्स आप इससे रिलेटेड याद रखेंगे। चलिए थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं, शामीर वंश की स्थापना कश्मीर में हुई थी, जैनुल अबिदीन इसी वंश से संबंधित था। कथन कारण है, आपको दिख रहा होगा कथन और कारण में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन अब हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। शामीर वंश जो था उसकी स्थापना कश्मीर में हुई थी शामुद्दीन द्वारा, ठीक है, ये एकदम ही सही स्टेटमेंट है। और कारण में जो आपको दिया है जैनुल अबिदीन इसी वंश से संबंधित था, ये भी एकदम सही है। पेपर में इसके पहले जो पेपर हुए हैं उसमें कई बार पूछा गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है, तो जैनुल अबिदीन को कहा गया है। रजत तारंगड़ी जो थी, जो कल्हण द्वारा लिखी गई थी, इसी के समय उसका फारसी में उसका अनुवाद कराया गया था, ठीक है, उसको फारसी में उसको उसका अनुवाद कराया गया था। और साथ ही साथ इसने जजिया कर और गौ हत्या
पे प्रतिबंध भी लगाया था, जैनुल अब्बदीन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। थर्ड का जो बी है वो आपका एकदम ही सही है। यहाँ पे व्याख्या लिखी हुई है कि 1339 में कश्मीर में मंगोलों के आक्रमण से फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर सुल्तान शमशुद्दीन ने कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना की थी, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति कब हुई है? 1505 में हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डच कंपनी की, तो ये 1602 में, थॉमस रो जहांगीर के समय 1615 में, और 1664 में आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी आई है। तो हम देखें 1, 2, 4, 3 किस में दिया गया? सी में दिया गया है। तो फोर्थ का सी आपका एकदम ही सही उत्तर है, ठीक है। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई है, याद रखिएगा। और पुर्तगाली का अगर प्रथम गवर्नर आपसे पूछ ले तो अल्मीडा का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ ले वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्बुकर्क का नाम भी आप याद रखेंगे, जो कि अल्मीडा के बाद पुर्तगाली गवर्नर बना था। इसका भी नाम याद रखें, क्योंकि कई बार पेपर में ये चीज पूछा गया कि वास्तविक किसको माना जाता है, वास्तविक गवर्नर जिसने की पुर्तगाली की यहाँ पर भारत में नींव रखी, तो अल्बुकर्क को। चलिए फिफ्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। विक्टोरिया घोषणा पत्र के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट को सुनना है, ध्यान से देखिएगा। यह घोषणा पत्र 1857 के विद्रोह के बाद जारी किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। विक्टोरिया डिक्लेरेशन आपके रिवॉल्ट ऑफ 1567 के बाद ही हुआ, ठीक है। 1 नवंबर 1858 में इसको पढ़ा गया था। उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था। इस घोषणा पत्र के बाद सेना में भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात 5:1 कर दिया गया। ये आपका गलत है, क्यों? क्योंकि इसका जो अनुपात था पहले भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक का, वो 5:1 था, लेकिन उसको बाद में इस घोषणा में क्या कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है ना, तो फॉल्स खाली आपकी दूसरी जो है वो गलत है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा आपका। ये चीज याद रखिएगा, पहले 5:1 था, उसको घटाकर 2:1 कर दिया गया। मैंने आपको बताया उस समय लॉर्ड कैनिन जो था, 1 नवंबर 1858 को जब महारानी विक्टोरिया का जो डिक्लेरेशन था उसको इलाहाबाद में पढ़ा गया, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था। और इसी डिक्लेरेशन में बोला गया था कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी का रूल था पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और अब भारत किसके अंडर आ गया है, अब भारत किसके अंडर आ गया, क्राउन के अंडर आ गया, ठीक है। अब भारत पर डायरेक्टली क्राउन रूल करेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिए, ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गया है। इसी वजह से जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, अब उस पोस्ट को वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय कौन होता था, रिप्रेजेंटेटिव होता था किसका, ब्रिटिश सरकार का। ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर पहला फर्स्ट वाइसरॉय भी पूछा जाए तो वो कौन होगा, लॉर्ड कैनिन होगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान नहीं घटित हुई थी, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, महात्मा गांधी अराइव्स इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और यंग हस्बैंड कैंपेन। अब याद करिए, हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 में आए थे, ठीक है। और ये जो लॉर्ड कर्जन वाला समय है वो बंगाल विभाजन वाला समय है। मैंने आपको बताया ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके समय में हुआ है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। और वो कौन सा समय चल रहा है, 1905 वाला समय चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी आप इस तरीके से करेंगे। और महात्मा गांधी 1915 में आए हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगर यहीं पे आपसे पेपर में पूछ लेता कि महात्मा गांधी किस वॉइसरॉय के समय में भारत में आए हैं, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पे ये आए हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर 904 देख लीजिए, यूनिवर्सिटी एक्ट कर्जन द्वारा कब लाया गया था, 1904 में लाया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और हस्बैंड अभियान जो है वो वर्ष 1904 में लाया गया था, ठीक है। और ये अभियान किस
चीज से रिलेटेड था। यह अभियान तिब्बत में रूस के प्रभाव को खत्म करने के लिए था, ये चीज याद रखिएगा। अगर यंग हस्बैंड कैंपियन आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा ये किस चीज से रिलेटेड था, यह अभियान तिब्बत में रूस का जो इम्पैक्ट था, जो प्रभाव था, उसको खत्म करने के लिए था। चलिए सातवें प्रश्न को हम देखते हैं। पूना की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुई थी? द ट्रिटी ऑफ पूना वॉज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर? फर्स्ट एंग्लो मराठा, थर्ड एंग्लो मराठा, सेकेंड एंग्लो मराठा या फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर? अब पूना है तो मैसूर तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंग्लो मराठा में से ही होगा। तो ट्रिटी ऑफ जो पूना थी वो साइन हुई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। तो सेवेंथ का बी आपका एकदम सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, अगर हम बात करें 1782 में, 1782 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में प्रथम एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, जिसमें कि कौन सी संधि आपकी साइन हुई थी? सालबाई की संधि। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि प्रथम एंग्ला मराठा वॉर में कौन सी संधि साइन हुई थी, तो आप याद रखेंगे सालबाई की संधि, और ये ईयर कौन सा था? 1782 में, ठीक है। इसी तरीके से पेपर में प्रश्न पूछता है कि मंदसौर की संधि किसके किसके बीच में साइन हुई थी? तो मंदसौर की जब संधि की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और होलकर के बीच में साइन हुई थी। ग्वालियर की संधि सिंधिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में साइन हुई थी। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनता है मंदसौर ग्वालियर, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। जब भी मंदसौर की बात यह होगी तो होलकर का नाम, ठीक है, और ग्वालियर की संधि की बात करेंगे तो 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और सिंधिया के बीच में इसको साइन किया गया था। 1817 में अंग्रेजों और पेशवा के बीच में पूना की संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। और इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? ब्रिटिशों का नियंत्रण नर्मदा नदी के उत्तर में क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में हो गया था। हो सकता है पेपर में अगर क्वेश्चन को ज्यादा डिफिकल्ट बनाए तब ये पूछ ले कि उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। इस संधि के परिणाम स्वरूप भी ब्रिटिशों का नियंत्रण नर्मदा नदी के उत्तर में क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में हो गया था। चलिए एट प्रश्न को अब हम देखते हैं। देखिए मेरे दिमाग में ये रहता है कि इस प्रश्न से और कितने प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं क्लास में, इसीलिए थोड़ी सी क्लास लंबी भी कभी कभी हो जाती है। तो जो भी चीजें मुझे याद आती है वो मैं जरूर बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में संसद से संबंधित प्रावधान किया गया है? मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पेपर में, शेड्यूल से रिलेटेड प्रश्न पेपर में, और पार्ट से रिलेटेड प्रश्न कि कौन सा पार्ट किस चीज से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है, ठीक है, और पूरी संभावना है बने भी। थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देंगे, दो तीन स्टेटमेंट देके, लेकिन बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपने पेपर के लिए तैयार रखना है। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो किस पार्ट में दिया गया है, आप सभी को पता है, पार्ट 5 में, ठीक है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, एट्थ का बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 79 आर्टिकल से 122 तक, ठीक है, पार्लियामेंट की बात की गई है। अगर हम भाग 4 की बात करें तो आप सभी को पता है पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की गई है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप की बात की गई है। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग इन सब चीजों को। चलिए 9th को अब हम देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए, फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है क्लास। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दूसरा है राज्यसभा के सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा नहीं अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा नहीं अपॉइंट किया जाता। जब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपॉइंट करना रहता है, जो कि आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको अपॉइंट करने के लिए क्या होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एक जगह बैठते हैं और चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। जब दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, ये भी सही है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज रिगार्डेड एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ना। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो पहला,
पहला, क्योंकि फॉल्स बताना है तो ए आपका सही हो जाएगा, देख लेते हैं। नाइन्थ का ए सही है। अब क्लास देखिए, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, ठीक है, और उपराष्ट्रपति की, तो यहाँ पर दोनों के इलेक्शन के लिए हम इलेक्टोरल कॉलेज का यूज करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है वो आप जान लीजिए, कभी पेपर में अगर डिफिकल्ट करना होगा पेपर को तो पूछ लेगा। जब भी हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। मैं कह सकती हूँ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसमें होते हैं जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें खाली आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें खाली आपके इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप याद रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जब हम बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की, तो यहाँ पर स्टेट असेंबलीज का कोई भी रोल नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होती हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे खाली इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात नहीं हो रही है। नॉमिनेटेड मेंबर्स समझ रहे हैं ना, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते, जैसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, वो नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। इतना समझ में, इतना ध्यान में रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों होता है, प्रेसिडेंट में खाली आपके इलेक्टेड होते हैं। अफकोर्स सी बात है ना, प्रेसिडेंट ही उनको नॉमिनेट कर रहा है और प्रेसिडेंट इलेक्शन में ही उसको वो फेवर ही करेंगे, प्रेसिडेंट कहेगा कि हमको प्रेसिडेंट बना दो तो हम तुमको नॉमिनेट कर देंगे, तो कहेंगे ठीक है चल, मतलब ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। चलिए दसवें प्रश्न को अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये स्टेटमेंट ग्लैडस्टोन द्वारा दिया गया है। अच्छा, पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे ही ले लिया, ध्यान में रखिएगा। तो 10th का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, डी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो भी ध्यान में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लोवेल ने क्या कहा है, कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार है। तो कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है, वास्तु का आधार है, ये किसने कहा है, लोवेल ने कहा है, ठीक है। रामेजे म्योर ने क्या कहा है, यह राज्य रूपी जहाज की स्टेयरिंग व्हील है, कैबिनेट के बारे में कहा है, ठीक है, रामेजे म्योर ने, कि यह राज्य रूपी जहाज की स्टेयरिंग व्हील है। और देखिए किसने क्या कहा है, कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है, ये भी चीज याद रखिएगा। ये किसने कहा, ये आइवर जेनिंग ने कहा है, ये स्टेटमेंट आइवर जेनिंग ने। और कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं, ये ग्लैडस्टोन ने कहा है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्लास, यहाँ पर स्टेटमेंट अगर पेपर में पूछ लिया तो आप सही आंसर लगा लेंगे, लेकिन जब आप कभी कभी मेंस में लिखते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जब किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करने को बोलता है, या फिर एनालाइज करने को, इवेलुएट करने को बोलता है, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स या किसी के भी रोल को, तो वहाँ पर आप इस तरीके की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उससे आपको कुछ नंबर तो ज़्यादा दे ही देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है इनकरेक्टली मैच्ड है, इसको ऐसे समझिए। 110 में हमने धन विधेयक की बात की है, ठीक है। 108 में हमने संयुक्त अधिवेशन की बात की है, ज्वाइंट सेशन की बात की है। 123 में, 123 में हमने ऑर्डिनेंस की बात की है। तो आप सभी को पता है 123 में हमने ऑर्डिनेंस की बात की है, और ऑर्डिनेंस से रिलेटेड प्रश्न हमने इसके पहले वाले टेस्ट में डिस्कस किया है। 108 में ज्वाइंट सेशन होता है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। कभी अगर डेडलॉक
हो गया, ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी बिल है और उसमें डेडलॉक हो गया राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। और एक ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? जो लोकसभा का स्पीकर होता है। लेकिन इसे बुलाता कौन है? इसे प्रेसिडेंट बुलाता है। ये चीज आप याद रखिएगा, जब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन, लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा, ठीक है। 111 में यूनियन बजट की बात नहीं कही गई है, 112 में यूनियन बजट की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो बी वाला है वो आपका गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि 111 में कहा क्या कहा गया है, तो यहाँ पे एसेंट की बात कही गई है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो एसेंट दे, ठीक है, जो भी जो विधेयक जो पारित है तो राष्ट्रपति के सामने उसको रखा जाता है कि वो उस पर अपने अनुमति दे, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, वो दूसरा चीज हो गया। ये याद रखिएगा, जब संघीय बजट की बात की गई है तो वो 112 में कहा गया है, और बजट टर्म को हमारे संविधान में कहीं पे भी यूज नहीं किया गया, ये भी याद रखिएगा। अगर कभी पेपर में ये स्टेटमेंट दे देगी यूनियन बजट टर्म हमारे संविधान में 112 आर्टिकल में यूज किया गया है, तो आप याद रखेंगे 112 जो है अनुच्छेद है उसमें बजट टर्म नहीं यूज किया गया, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है, ठीक है, बजट टर्म नहीं यूज किया गया है, ये चीज आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए 112 जो आपका है अनुच्छेद, उसको एक बार हिंदी में पढ़िएगा, जाकर गूगल पे सर्च करिएगा आर्टिकल 112 इन हिंदी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12वां देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए बनी निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। सरकारिया कमीशन दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर उसके बाद आपको दिया गया राज मन्नार समिति। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं एआरसी कमीशन की, प्रशासनिक सुधार आयोग की, तो ये 1966 हो गया, राज मन्नार ये 1969 और सरकारिया 1983, इसको अरेंज कर लीजिए तो 231 डी आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1966 में एआरसी आए, प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया, ठीक है, इसका गठन 1966 में हुआ, और यहाँ पर ये किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी, और इस आयोग के अध्यक्ष आपके कौन बने थे? हनुमंत थैया बने थे। ये भी चीज आप याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। 1969 की अगर हम बात करें तो राज मन्नार समिति का गठन हुआ, ठीक है, और इसने क्या सुझाव दिया ये भी याद रखिएगा, इन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल जो आपके गवर्नर हैं, राज्यपालों के प्रसाद पद पर्यत वाले प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए, जो प्लेजर ऑन द प्लेजर वाली बात है उसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। 1983 आपको सभी को पता है सरकारिया कमीशन है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी? इन्होंने अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करने का सुझाव दिया था। ये सारे ही पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कमीशन्स हैं उनके नाम बताइए, ठीक है। एआरसी रिपोर्ट किसके सरकार के समय पे आई थी, डायरेक्ट पूछा गया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, ये सारी चीजें। अच्छा, एक प्रश्न और पेपर में एक बार पूछा गया था कि किस कमीशन ने ये सजेशन दिया था कि जो गवर्नर की पोस्ट है उस पे कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति बैठना चाहिए, गैर राजनीतिक व्यक्ति को गवर्नर बनाना चाहिए, ये किस कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया था? तो ये फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट की जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं, भारत के भूकंपी, अच्छा क्लास इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, अभी नहीं लिया तो इसको पढ़िएगा, यहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं और पूरी संभावना है बनेंगे। जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक जगह आप लोग फोल्डर में रखते चलिए, ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो जरूर एग्जाम क्वालिफाई होगा। और अगर बैठे रहेंगे कि जब परीक्षा की डेट आएगी तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ 14-14 घंटा, बहुत काम रहता है आप लोगों को पढ़ाई के सिवा भी, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उनको एक जगह समराइज करते हुए चलिए, और थोड़ा टाइम रिविजन पे दीजिए,
आप खुद देखेंगे कि आपका प्रीलिम्स कितने आराम से निकल जाएगा। 13th को देखते हैं हम, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनना है, भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय जोन भूकंप जोन 2 है, ठीक है, और भूकंप जोन 4 के अंतर्गत देश का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। यहाँ पे बोला गया है जो अर्थक्वेक जोन जो सेकंड है वो आपका लीस्ट एक्टिव जोन है, ठीक है, वहां पे सबसे हल्का अर्थक्वेक आता है, और जो जोन 4 है वो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है कंट्री का। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो एकदम सही है, जो जोन 2 है वहां पे लीस्ट एक्टिव जोन है वो, ठीक है, लेकिन जोन 4 जो है वो आपका लार्जेस्ट एरिया कवर करता, ये गलत है। यहाँ पर लार्जेस्ट एरिया अर्थक्वेक जोन 2 कवर करता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला आपका केवल एक जो है वो आपका सही है। अब आप सभी को पता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, सेस्मिक जोन की बात की जा रही है, सिस्मोग्राफ याद रखेंगे, रिचर्ड स्केल याद रखेंगे, पूछा जाता है रिचर्ड स्केल, सिस्मोग्राफ, ये सब किस चीज से रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ठीक है। तो 13th का ए सही है। अब देखिए भारत में जो सेस्मिक जोन है यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको ग्रीन वाला थोड़ा इधर जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका जोन 2 है जो कि लो रिस्क जोन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने मतलब जो अर्थक्वेक आएगा भी तो बहुत हल्का आएगा, तो ये है, ठीक है। और जो वेरी हाई डैमेज वाला रेंज है वो ये डार्क ब्राउन वाला है, देखिए इधर, देखिए गुजरात वाला रीजन इधर, ठीक है। चलिए 14th प्रश्न को अब हम देखते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, वेस्टर्न कोस्ट की बात की गई है, कौन कौन सा, ठीक है। तो वेरावल की अगर हम बात करें ये कहां पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। श्रीवर्धन की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। पॉइंट केलिमर की अगर हम बात करें ये तमिलनाडु है, और गोपालपुर की बात करें तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में है। तो अब आप देख लीजिए कि वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सा आएगा, वेस्टर्न कोस्ट में आपका आएगा वेरावल और श्रीवर्धन, गुजरात और महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो मतलब बी आपका सही उत्तर है। क्लास ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, अगर आपको आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन पोर्ट्स के नाम आप याद रखेंगे, वेरावल जो है गुजरात में है, श्रीवर्धन बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में है, और फिर केलिमर तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा में आपका कौन सा है, गोपालपुर। 15 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच दिया गया है, डैम दिया गया है और नदी दी गई है। तो देखिए किसाऊ बांध की अगर हम बात करें तो ये टॉन्स नदी पर है, ठीक है। श्री सेलम बांध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कावेरी नदी दी गई है, ठीक है। पोंग बांध, ब्यास नदी और साइलेंट वैली, कुंती, पूंजा नदी। तो यहाँ पर देखिए साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरला में है ना, और वो कुंती पूजा नदी पर है, एकदम ही सही है। पोंग डैम ब्यास नदी पर है, सही है। श्री सेलम बांध जो है वो कावेरी नदी पर नहीं है, वो किस नदी पर है, वो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। तो 15th का बी आपका जो बी है वो आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि ये कृष्णा नदी पर है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जो किसाऊ बांध था वो टॉस नदी में था और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है, सीमा पे स्थित है, ये चीज आप याद रखिएगा। श्री सैलम मैंने आपको बता दिया कृष्णा नदी पर है और ये आपके तेलंगाना में है, ठीक है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है और ब्यास नदी किधर की तरफ फ्लो करती है, हिमाचल प्रदेश की तरफ फ्लो करती है। साइलेंट वैली, कुंती पूजा, और ये कहाँ पर है आपको बताइए, केरल में है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं, कथन और कारण, पृथ्वी पर पहला महाकल्प, ठीक है, पृथ्वी पर पहला महाकल्प आर्कियोजोइक था। दूसरा आपको दिया गया है कारण, आर्कियोजोइक महाकल्प के चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया, फर्स्ट एरा ऑन अर्थ वॉज आर्कियोजोइक, फॉसिल वेयर फाउंड इन द रॉक ऑफ द आर्कियोजोइक रॉक। अब क्लास जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, आर्कियोजोइक रॉक जो था वो पहला महाकल्प था, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो दूसरा कारण में जो स्टेटमेंट दिया गया है कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, फॉसिल्स पाया जाता है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनाइट और ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आप रखिएगा याद। तो यहाँ पर आपका ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16th का सी,
इन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस मिलते हैं। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों को ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करिए, ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात किया गया है। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर दिया गया, समताप मंडल, शोक मंडल और मध्य मंडल। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता है सबसे लोवेस्ट लेयर जो होती है, परत जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, शोब मंडल कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होती है, समताप मंडल, जिसमें कि ओजोन लेयर होती है ना। तो अरेंज कर लो, देखो दो एक कहीं दिया, अच्छा दो एक बाद में होगा ना, टॉप टू बॉटम दिया गया, मतलब एक सबसे बाद में होगा, देखो एक एक दो, तो ये बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीन सबसे ऊपर तीन होगा, सॉरी ये नहीं क्लास, देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, तीन होगा, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर होगा, फिर मेसोस, तीन एक दो, ठीक है, तीन एक दो, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडल की परतें, सबसे नीचे क्या है, शोभ मंडल है, जिसको कि हम ट्रोपोस्फीयर कह रहे हैं, इसकी हाइट 0 to 12 किलोमीटर होती है। उसके बाद समताप मंडल है, समताप मंडल में ही आपकी ओजोन लेयर होती है। ओजोन डे हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। चलिए फिर इसके बाद आप देखिए, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल है, मध्य के बाद ताप मंडल है, फिर वायुमंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक और प्रश्न बनता है, जो वेदरिंग कंडीशन होती है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब कहाँ पर होते हैं, ये सब शोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है। और इन्हीं वेदरिंग कंडीशन के कारण जो एरोप्लेन होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ना ट्रेवल करके कहाँ पर, समताप मंडल में ट्रेवल करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। जितने भी वेदरिंग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मौसमी घटनाएं जो होती हैं, वो शोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है, और इन्हीं से, इन्हीं कारण जो आपके जो प्लेन्स होते हैं वो आपके समताप मंडल में ट्रेवल करते हैं। और ओजोन लेयर आपको मैंने बता दिया समताप मंडल में होती है। चलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं, 18 प्रश्न को हम देखते हैं। सूची एक को सूची दो में सुमेलित करिए। यहाँ पर बांध दिया गया है और संबंधित नदियां दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ओवन बांध की, तो ओवन बांध आपके व्हाइट नाइल पर है, श्वेत नील नदी पे से, ठीक है। सेन्नार बांध की बात करें तो नीली नील, ब्लू नाइल, ठीक है। इंगा की बात करें तो जाम्बेजी, यहाँ पे जाम्बेजी ऐसे लिख लीजिए, जाम्बेजी, ठीक है। करीबा की बात करें तो कॉन्गो, एकदम सीधा मैच है। तो एक दो नहीं, इंगा हो गया, ठीक है, करीबा जाम्बेजी होगा क्लास। यहाँ पर एक मिनट इसको इरेज करिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए, इंगा की अगर हम बात करें तो वो कॉन्गो पर है, और करीबा जो है वो जाम्बेजी पर है। तो डी का जो थर्ड होगा, सी का आपका फोर्थ होगा, डी का थर्ड और सी का फोर्थ इसमें है, और फर्स्ट सेकंड, ठीक है, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए डी आपका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब्दुल फजल, अब्दुल फजल का जन्म स्थान कहाँ है, अब्दुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। मदन मोहन मालवीय, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, बदायूं में हुआ था। और महादेवी वर्मा का फरुखाबाद में। तो मतलब सभी एक दूसरे के सामने हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, डी, डी आपका सही उत्तर है, एक दो तीन चार। क्लास इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर बी दिया गया है, डी होगा, ठीक है। महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो फरुखाबाद में है, निजामुद्दीन औलिया बदायूं, मदन मोहन मालवीय प्रयागराज, और अब्दुल फजल आगरा, एक दो तीन चार, तो डी आपका सही उत्तर है। चलिए 20वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेला दिए गए हैं और जनपद के नाम दिए गए हैं। ढाई घाट मेला आजमगढ़ दिया गया, खिचड़ी मेला बहराइच दिया गया, खिचड़ी मेला तो मुझे पता है गोरखपुर में लगता है, ठीक है। नकटिया मेला की बात करें तो ये बलिया दिया गया है। रामनगरिया मेला की अगर हम बात करें तो ये फरुखाबाद दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए रामनगरिया मेला जो है वो फरुखाबाद सही है। नकटिया मेला की अगर हम बात करें तो ये बनारस में लगता है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। मैंने आपको बताया नकटिया मेला कहाँ लगता है, नकटिया मेला बनारस में लगता है, ठीक है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, और ढाई घाट मेला जो है वो
शाहजहांपुर में लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मेले से रिलेटेड प्रश्न यूपी स्पेशल के बनते हैं, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। 21वां देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित विधियों में से किस किस विधि का प्रयोग राष्ट्रीय आय के मापन में किया जाता है? नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है? उत्पादन मेथड, प्रोडक्शन मेथड जिसको बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे तीनों मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो 21वें का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21st का डी आपका सही उत्तर है। 22nd प्रश्न अब हम देखते हैं, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट क्लास बतानी है। क्या दिया गया है? दिस स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड फ्रॉम ईयर 2014 to 15, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम। यह योजना वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित की जा रही है, एकदम ही सही है ना, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। इस योजना के कुल खर्च का 75% राशि केंद्र सरकार देती है, ये गलत है आपका, ठीक है। डी आपका गलत है, मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सेंटर और स्टेट के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 60%, ठीक है। केंद्र 60%, ठीक है। और जब हम राज्य की बात करते हैं तो 40%, जबकि 40% जो हिस्सेदारी होती है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन यहीं पे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर लेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो यहाँ पर सेंटर स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 90:10 का होता है, ये याद रखिएगा। सेंटर स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दूसरे स्टेट्स के लिए 60 और 40 का होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये कितने का होता है? 90 और 10 का होता है। और इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर मिशन 2014-15 से स्टार्ट हुआ था। 23rd देखते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कही गई है, के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट की बात कही गई है। इसका आधार वर्ष परिवर्तन करके 2011 से 12 कर दिया गया और इसमें सर्वाधिक भारांक खनन क्षेत्र को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसका जो बेस ईयर है उसको 2011-12 कर दिया गया, एकदम सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट वेटेज है वो माइनिंग सेक्टर को, खनन क्षेत्र का नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, इसी वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 23वें का बी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो रिपोर्ट की बात की गई है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इसमें मेनली आपके 8 सेक्टर्स को कोर सेक्टर्स माना गया है, ठीक है, 8 को प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो आपका क्या है, रिफाइनरी उत्पादन, रिफाइनरी प्रोडक्शन। उसके बाद क्या है, ये देखिए 8 सेक्टर की बात की गई है जिनका की वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ऊपर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, फिर स्टील है, फिर कोयला है, कोल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, फिर नेचुरल गैस, सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। याद रखिएगा क्लास, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है और यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हाईएस्ट वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट को है, फिर लास्ट में फर्टिलाइजर है। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अब प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत आपका 2016 में की गई थी और 2016 अगस्त में की गई थी, दो जगह 2016 भी दिया गया है, बहुत सही। तो 24th का डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। यह योजना 15,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। 25वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? अब देखिए क्लास, हर सेशन में हम लोग सेंसस से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, ये चीज आप खुद फील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज इन इन्फेंट सेक्स रेशियो की बात की गई है और स्टेट की बात की गई है,
ठीक है। एक बार मैंने स्टेट और यूटी ना लिख के चंडीगढ़ बोल दिया था, उसमें जब हम तैयार हो रहा था तो उसमें स्टेट और यूटी लिखा था, और उसमें गलती से प्रिंट होते समय लिखते समय यहाँ पे मैंने यूटी लिखना भूल गई और मैंने चंडीगढ़ आंसर दे दिया। लेकिन आप लोग तेज बच्चे, आपने कहा मैम यूटी नहीं लिखा है, तो ठीक है अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक गलत प्रश्न हो गया जब वहाँ पे यूटी की बात नहीं की गई थी। ठीक है, सिख पॉपुलेशन की बात पूछी गई थी उसमें, मुझे याद आता है, और उसमें ऑप्शन में आपका वो मैंने चंडीगढ़ आंसर सही बताया था, लेकिन वहाँ पे यूटी नहीं दिया था, स्टेट के नाम दिए गए थे, वो सही था। चलिए, जो बच्चे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आप लोग 25वें प्रश्न पे ध्यान दीजिए, उस पे मत ध्यान दीजिए पुरानी बातों पर, उसको तब पता चलेगा आपको जब आप पहले के टेस्ट को देखेंगे। तो जो लोग अभी तक पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं, आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। पढ़ना तो बहुत आसान है, स्पीड को बढ़ाओ, इंटू टू करो और आराम से देखो। मुझे तो ऐसे भी लगता है कि मैं जल्दी ही पढ़ाती हूँ, तेज़ी से पढ़ाती हूँ, बहुत धीमे धीमे नहीं बोलती हूँ, तो मेरी स्पीड इंटू टू पे तो बहुत तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2011 में हाईएस्ट इंक्रीज इन इन्फेंट सेक्स रेशियो कहाँ पर देखा गया, हिमाचल प्रदेश में, केरला में, पंजाब में या फिर सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर है, स्टेट की बात की गई है, पंजाब में, ठीक है, सी आपका जो है वो सही उत्तर है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई है, चंडीगढ़ में देखी गई है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए 26वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में शामिल नहीं है, ठीक है, कहाँ पर 40 लाख से कम पॉपुलेशन है ये बोला गया है, उसमें जो गांधीनगर, कोलकाता, पुणे, सूरत, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो ए है, 26 का ए आपका सही उत्तर है, गांधीनगर में नहीं है। अगर हम 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को देखें तो इनकी संख्या 9 है, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका मुंबई आता है, दिल्ली आता है, कोलकाता आता है, चेन्नई आता है, बेंगलोर आता है, हैदराबाद आता है, अहमदाबाद, पुणे और सूरत आता है, ठीक है, ये 9 आते हैं। चलिए 27 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, ठीक है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड की शुरुआत की गई थी, 1998 में, 2000 में, 2008 में, 1986 में, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 2000, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। जब बीएस स्टेज वन आया था तो वो कौन सा ईयर था, 2000 था, और 2020 में आपको पता है भारत स्टेज एमिशन जो है वो 6th स्टेज पर हम लोग यहाँ अभी लागू है। 28 देखते हैं, यहाँ पे मिलान दिया गया है, फसल दी गई है, प्रजाति दिया गया है, ठीक है, ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए क्लास, आप में से कई बच्चे कह रहे थे कि मैम एग्रीकल्चर के सेक्टर के क्वेश्चंस को और इंक्लूड करिए। इन पेपर्स को 35 प्रश्नों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जिस सेक्टर से जितने प्रश्न पूछते हैं उतने ही प्रश्न इन 35 में बने। जैसे हमने पॉलिटी डिस्कस किया, ठीक है, हमने ज्योग्राफी डिस्कस किया, कभी हम एनवायरमेंट पूछ लेते हैं ज़्यादा, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, सेंसस से रिलेटेड भी, हिस्ट्री से भी रिलेटेड। तो इस तरीके से पेपर को बनाया जाता है कि सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाए। इसलिए मैं कह रही ना, ये टेस्ट रेगुलर देखना ज़रूरी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। एक दो देखने से क्या फ़ायदा, रेगुलर देखो जो 35 प्रश्न आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, और एक जगह नोट्स बनाते हुए चलो, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो तो वो भी बताओ, ठीक है। तो इसको देखते हुए चलो, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये आप खुद फील करोगे पेपर के बाद। चलिए अब इसको देखते हैं। जब हम वीट की बात करते हैं तो वीट की स्पीसीज की बात करें, कल्याण सोना, ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें चना का, चना उदय, ठीक है, अरहर की अगर हम बात करें तो अरहर में कौन सा हो जाएगा, सपना, ठीक है, और मटर की बात करें तो अमर, ये रहा। तो यहाँ पर देखिए गेहूं का क्या हो गया, एक बार देखते हैं, दो दो हो गया, चना का एक हो गया, अरहर का क्या हो गया, तीन हो गया, मटर का चार, दो एक तीन चार, दो एक तीन चार कहाँ दिया गया, सी में दिया गया, सी आपका सही उत्तर है। अब देखिए कल्याण सोना, अर्जुन, कुंदन, भवानी, चंद्रिका, देशरतन, कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभानी, राज आदि जो प्रजातियां हैं वो किसकी हैं, वो गेहूं की हैं, ठीक है। उदय, विशाल, सम्राट, पूसा, चमत्कार, राधे आदि चने की हैं। अमर, बहार, आजाद, ये सब किसकी हैं, ये सब अरहर की हैं। और सपना, अपर्णा, ये सब किसकी हैं, मटर की।
29 को अब हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है, 1985 में, 1990 में, 2004 में, 2004 में कि 1999 में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे 1999 में फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए 30th प्रश्न को अब हम देखते हैं, मधुमेह रोग तब होता है जब, मधुमेह रोग में क्या होता है, डायबिटीज में क्या होता है। अब आप सभी को पता होगा, सबके घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट होगा, तो थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो इस प्रश्न का बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। डायबिटीज के जो भयंकर पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है, और इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है बाहर से, तो इसका मतलब उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मतलब इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है, इसी वजह से डायबिटीज के पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देखिए, ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, फिर हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, फिर देयर इज एन ओवर सिक्रीशन कर लेना ऑफ वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे इंसुलिन का अल्प श्रावण होगा ना, कम सिक्रीशन हो रहा है बॉडी में, हाइपो, तो ये सी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 31st देखते हैं। देखिए 30वें प्रश्न को उत्तर देने के लिए ऐसा नहीं था कि आपको पता ही होता, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर है ना सोसाइटी से या चीजों से तो आप आराम से उसको लगा सकते थे। 31st को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संतृप्त वसाओं के अधिक सेवन से होता है, इसमें क्या बोला गया, सैचुरेटेड फैट के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला दिया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, स्क्लेरोसिस, फिर दूसरा दिया गया मेरिस्मस, फिर आपको दिया गया है क्वासिकोर, फिर उसके बाद एपिडेमिक ड्रॉप्स दिया गया है। तो यहाँ पे जो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस, वही आपका सही उत्तर है, जो मैम नहीं पढ़ पा रही, ए आपका जो है वो सही उत्तर है। अगर हम मेरिस्मस की बात करें, और मेरिस्मस किसकी कमी से होता है, प्रोटीन या कैलोरीज की कमी से, ठीक है। क्वासिस कोर की अगर हम बात करें तो ये भी किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है ना, तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैट की वजह से आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। चलिए अब साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये बायोलॉजी वाले बड़े उनको अच्छा लग रहा होगा, वो मुझे पता है, अरे बताओ। अब 32nd क्वेश्चन को देखें, यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें, ठीक है। सत्य कथन क्या है, यह डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, ठीक है। दूसरा है, यह जिन कोशिकाओं से बना होता है उसे स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। देखिए लिवर की बात की जा रही है, याद करिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न करा था पेनक्रियाज से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था जो पेनक्रियाज है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेन वाली बात कही थी। तो लिवर की बात जब हम करेंगे, यकृत की तो फर्स्ट, यहाँ पे आपके बाइल जूस की बात होती है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और ये डायफ्राम के नीचे होता है, ये एकदम सही है, लेकिन ये जो सेल है वो स्टेम सेल से मिलकर नहीं बना होता है। यहाँ पे कथन स्टेटमेंट बोला है ना, मतलब सत्य स्टेटमेंट, तो खाली आपका ए होगा, ठीक है। यकृत जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम ग्लिंसन्स कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए 33rd प्रश्न को अब हम देखते हैं, 33वें प्रश्न को, प्रकाश के प्रकीर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉल्स स्टेटमेंट की बात कही गई है कि बैंगनी रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, स्कैटरिंग ऑफ अ पर्पल लाइफ इज हाइएस्ट, और दूसरा दिया गया जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है उस रंग का प्रकीर्ण भी सबसे ज्यादा होता है। इंग्लिश में पढ़ दो इसको, द कलर ऑफ लाइट दैट हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज आल्सो स्कैटर्ड हाई इज आल्सो हैव हाईएस्ट स्कैटरिंग, ठीक है। देखो क्या बोला गया है सेकंड में, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी, ये गलत है, ठीक है। अगर आप विबग्योर, आपको याद हो विबग्योर, तो यहाँ पे जो रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। और जब हम वॉयलेट की बात करते हैं, यहाँ पे पर्पल लिखा है, इसको वॉयलेट कलर कर देना, पर्पल मत करो, ठीक है। जब हम वॉयलेट कलर की बात करते हैं तो इसकी आपकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ सबसे कम होती है। यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट बोला है, इसीलिए बी होगा,
ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लो, इस तरीके से विजुअल स्पेक्ट्रम में आपके 7 कलर होते हैं, जिसमें अगर आप रेड देखोगे तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉलेट की है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहीं पे आपसे अगर फ्रीक्वेंसी की बात पूछ ले तो रेड की फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे कम होती है, वॉलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ये चीज याद रखिएगा, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ लीजिएगा। 34th को देखिए, निम्नलिखित अणुओं में से कौन से अणु द्रव्यमान संख्या में शामिल किए जाते हैं, मास नंबर में कौन से वो यूज किए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34th का सी आपका सही उत्तर है। एक मिनट, फर्स्ट और थर्ड ना, अच्छा फर्स्ट और सेकेंड लिखा है ना सी में, मैं आपको फर्स्ट और थर्ड बता रही हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आंसर क्या होगा, ए। यही गलती, यही सेम गलती पेपर में भी होती है। हमारे दिमाग में सही उत्तर रहता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यूज करते हैं मास नंबर को निकालने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, सही उत्तर होते हुए भी हम OMR सीट में गलत आंसर टिक कर देते हैं, और वही एक आंसर गलत हमें प्रिलिम से आउट कर देता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ये क्यों होता है, लैक ऑफ कंसेंट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला उत्तर सही है। 35th प्रश्न को अब हम देखते हैं, यहाँ पे एसिड दिए गए हैं और उनके यूज दिए गए हैं। कार्बोनिक एसिड का अगर हम देखें तो यूज क्या है, सोडा वाटर, आपको पता है सोडा में जो सोडा पिया जाता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी याद रखिएगा हाई अमाउंट में, तो कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड आपके फर्टिलाइजर में यूज होता है, फॉर्मिक एसिड रबड़ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ऑक्सैलिक एसिड फोटोग्राफी में यूज होता है, यहाँ पर डी सही है। पेपर में कई बार पूछा गया है फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अच्छा चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है बताइए, तो यहाँ पे 35th का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास, आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जहाँ से भी और प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। हम जब इन 35 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम पास्ट ईयर्स में जो प्रश्न बने हैं वो भी डिस्कस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा भले स्लाइड में चीज़ें लिखी नहीं रहती है, लेकिन मैं ओरली उन सब चीज़ों को आपको बता देती हूँ कि ऐसा भी प्रश्न पेपर में बना था। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है इस 35 प्रश्नों के साथ जितना मैक्सिमम पॉइंट कवर किया जा सकता है हम कवर कर लें। ठीक है, तो आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाली क्लासेस में उन परेशानियों को देखा जाए, मतलब उस जो भी प्रॉब्लम है उसको कवर किया जाए। तो थैंक यू सो मच, इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।